ही हुआ है गाइस, और आपको पता है कि समर सीजन में स्पेशली अपनी स्किन कितनी ज्यादा टैन हो जाती है, कितनी ज्यादा ऑयली हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं गाइस, राइट। तो मैं इसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त मेरी क्विक फिक्स वाली रेमेडी लेके आई हूँ, सो आप बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा और मजे लीजिएगा गाइस। सो उसके पहले आपको क्या कर देना है, आपको मेरे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, टू ऑल सब्सक्राइब लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, और ये सब करके लिखिएगा डन। तो अपने आने वाले वीडियो में मैं आपका नाम लूंगी गाइस, और ये रेमेडी आपको कितनी ज्यादा पसंद आया प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइस। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं बाउल लेके आई हूँ और मैं सबसे पहले अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन पे सूटेबल ही बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो चीज अपनी टैननेस के लिए चाहिए है वो है कॉफी। तो मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑफ कॉफी डाल दूंगी, आप ज्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, आप स्किप भी कर सकते हो। और बाद में मैं डालने वाली हूँ यहाँ पर हल्दी, ये मेरी वाली थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है इसलिए कम डालूंगी गाइस, बट अगर आप चाहते हो तो आप 1 टीस्पून ऑफ हल्दी भी ले सकते हो, बट अगर आप बोलोगे कि मुझे हल्दी नहीं सूट करती है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो गाइस। हल्दी से भी आपकी स्किन काफी हद तक हील हो जाएगी, आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है वो भी खत्म हो जाएगी गाइस। और सबसे मेन चीज जो मैं लेने वाली हूँ वो है हनी। मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ हनी, और ये हनी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा अपने स्किन के लिए। बहुत जन बोलते हैं कि हनी अच्छी नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आपके स्किन के लिए, आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए, ग्लास लैम्प स्किन के लिए हनी आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। आपको गोल्डन सा निखार ये मास्क के बाद जरूर आएगा गाइस। सो ऐसे ही आपको अच्छे से मिक्स कर देना है लाइक दिस। सी गाइस, आप देख सकते हो ये हनी की वजह से बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली मिक्स हो गया है। बहुत ही ज्यादा ऑयली है तो आप इसमें रोज वाटर यूज कर सकते हो, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल, अदरवाइज आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो गाइस। सो ऐसे ही मैं प्रॉपरली आपको लगा कर अप्लाई करके दिखाऊंगी कितना फर्क पड़ता है गाइस आपके स्किन पे ये चीज का, लाइक दिस। मैं ऐसे ही अप्लाई कर दूंगी प्रॉपरली, आप देख सकते हो कि हल्दी का भी प्रॉपरली कलर आ गया है, तो ऐसे ही मैं प्रॉपरली लगा दूंगी। सो गाइस ऐसे प्रॉपरली आपको अप्लाई कर देना है। इसको अप्लाई करने के बाद गाइस ऐसे आपको मसाज करना है, तो इससे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा सारी चीज। आप देख सकते हो ग्लो, सी शाइननेस, यही आपकी स्किन पे भी थोड़े देर में आ जाएगी गाइस। सो इसे रखिएगा और फिर हम फेस वॉश करके आ जाएंगे सूखने के बाद। सो फ्रेंड्स मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ अपना, और आप देख सकते हो कि कितना ग्लो आया है फेस पे, और ऑब्वियसली मेरी लाइनर भी निकल गई है गाइस, सो प्लीज इग्नोर इट, बट आप देख सकते हो कि कितनी स्मूथ एंड शाइनी लग रही है फेस। और आप एक एक बार तो जरूर ट्राई करिएगा गाइस इसे, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे गाइस, और आपका फेस इतना ही अच्छा दिखेगा गाइस। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है ना क्या कर देना है, आपको मेरे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, टू ऑल सब्सक्राइब कीजिए, और कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा गाइस, और प्लीज शेयर करना बनता ही है कि ये सारे आपके फ्रेंड्स, सिस्टर्स, रिलेटिव्स, मदर, सबके सबके साथ, आप ऑब्वियसली बॉयज हो तो ये आप कर सकते हो, हमारे स्किन में ज्यादा अंतर नहीं होता है मेल और फीमेल के, तो आप बिल्कुल बिल्कुल ट्राई कर सकते हो आपका फ्रेश फील कराने के लिए फेस, और ग्लोइंग कराने के लिए फेस गाइस, प्लीज जरूर शेयर करिए। सो फ्रेंड्स आपको मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।